अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुमरे का भेल। तो इसके लिए हमने लिए हैं मुमरे। अभी हम इसे हाफ पैकेट ही यूज़ करेंगे और हमें चाहिए इमली गुड़ की चटनी। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हम लेंगे ग्रीन चटनी, इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और लेंगे ऑयल, और ये लेंगे भेल के लिए पोवे का चिवड़ा, ये भी हमारा होम मेड है, तो इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमें चाहिए सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, सेव, ऑनियन, टोमेटो, कोथमीर और केरी। और हमें चाहिए सॉल्ट, धाना जीरा पाउडर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और टर्मरिक। ये बटा के हम मैश करेंगे। अभी इसे फ्राई कर लें। अभी हम लेंगे एक पैन। चलो तो अभी हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम बटा के फ्राई कर लेंगे और मुमरे भी फ्राई कर लेंगे। अभी हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। फिर डाल देंगे हम पोटैटो, अच्छे से फ्राई होने देंगे। हम एकदम मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। चलो अभी हमने पोटैटो भी फ्राई करने रख दिए हैं। अब हम एक पैन में बड़ा सा पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें डालेंगे सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। हम उमरे फ्राई कर रहे हैं। अभी हमारी सॉल्ट और टर्मरिक भी हो चुका है। अभी हमें इसमें डालना होगा पहले सिंग दाने, उसे तल कर निकाल लेंगे। पर अभी हम नहीं डालने वाले हैं क्योंकि पोहे के चेवड़े में हमने सिंग दाने ज़्यादा डाल दिए। अब डाल देंगे मुमरे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमारे अच्छे येलो मुमरे, और ये दिखने में तो येलो है पर कैमरे में वाइट दिख रहे, पता नहीं क्यों। अब हम इसे देखो आप देख सकते हो कि कितने क्रिस्पी हुए हैं। अब हम इसमें मिला देंगे पोहे का चेवड़ा। ये ज़रा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हमें मिलाना है पोहे का चेवड़ा। और अभी हमारे पोटैटो भी हजू हुए नहीं है, अभी इसे अच्छे से गल जाने दें। फिर इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट, धाना जीरा पाउडर, हल्दी और ग्रीन चिल्ली पेस्ट। देखो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पोटैटो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट और धाना जीरा पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे भेल का बटाटे बन करके रेडी है। इसको एक साइड में रख देंगे और ये मुमरे में हम मिला देंगे पोहे का चेवड़ा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी एक साइड पे रख देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि भेल की प्लेट कैसे सर्व करेंगे। देखो अब अभी आप देख सकते हो कि हमारे मुमरे और पोहे का चेवड़ा भी मिक्स हो चुका है, पोटैटो भी मैश्ड हो चुके हैं और ये सब कुछ रेडी है। अब हम बनाएंगे भेल। तो इसके लिए हम डाल देंगे एक बाउल में ये पोटैटो, फिर इसमें डाल देंगे हम मुमरे। फिर डाल देंगे हम सारी हमारी चीज़ें, टोमेटो, ऑनियन, कच्चा आम डाल देंगे थोड़ा सा, डाल देंगे कोथमीर और ग्रीन चटनी, और डाल देंगे इमली गुड़ की चटनी, और डाल देंगे सेव। देखो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमारा भेल बन करके रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।